देश को इसे बचा ले, इन गुंडों बताइए जो 10-20% बैठे ऊपर मारे, इनसे बचा के अपनी वहाँ से आप संसद में आप कब्जा कर लो। आपने कहा 10-20% बैठे, तो कौन लोग हैं वो जो बैठे हैं? सदा वो तो गुंडे हैं। कौन है? अरे हम नहीं पार जाओ सर, होते हमारे किसान इन्हें समझ जाए तो हम उन्हें क्या करें? उन्हें हम लोग कह रहे हैं छह छेद के संसद में तो काटो, आप वहाँ कब्जा करो, छह छेद के संसद में तो काटो, आप वहाँ कब्जा करो। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ विशाल। एक बार फिर से किसान अपने घरों से निकल चुके हैं और एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ 2021 में सितंबर के महीने में सबसे बड़ी महापंचायत हुई थी, और आज से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी के सभी जिलों से, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से सभी किसान जुटना शुरू हो गए हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एक बड़ी पंचायत करने वाले हैं। ये पंचायत जो धरना प्रदर्शन चलेगा वो अनिश्चितकालीन है, तो जो यहाँ के किसान हैं क्या उनकी मांगे हैं वो भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, और भी काफ़ी सारी जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या कुछ मांगे हैं भाई? मांगे तो एक तो गन्ना पेमेंट की है, जैसे बसाना शुगर मिल है बसाना बजाज वालों का, आज तक पिछले साल का भी कोई पेमेंट नहीं है। एक आज तक गन्ना का रेट घोषित नहीं करा, वो भी समस्या है, बड़ी समस्या है वो भी। दूसरी बात यह है बिजली, बिजली वालों ने पूरा आतंक मचा रखा। बिजली वालों ने कैसे मतलब? भाई बिजली वाले एक तो मीटर 12 पे मीटर लगा रहे, दूसरी बात ये बता रहे हैं कि भाई 5,000 से ऊपर जब हो जाएगा जिस किसान भाई पर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके केबल काट देंगे। तो ये मुख्य मांग है आपकी? ये मुख्य मांग है। और आवारा पशुओं की जो रोड पे फिर रहे, इनसे एक्सीडेंट बहुत हो रहे, पशु भी मर रहे हैं, इंसान भी मर रहे हैं इनकी वजह से। सरकार तो कहती है कि थोड़े मामले कम हुए हैं, आप कह रहे हैं? कहाँ हुए सरकार, सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और सरकार ने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हाँ, वो एक चौथाई कम होगी। और भी कम कैसे? बहुत ही कम गन्ना निकल रहा, जहाँ 80-90-100 क्विंटल निकल रहा था अभी के में, अब का 30-35 निकल रहा। सर्वे कर सके सरकार भी हो और आप भी हो। सम्मान निधि दे रही है सरकार, तो कहती है हम सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि के नाम पर भी छलावा कर रही सरकार। कैसे? बता दिया कि अब KYC करवाओ, कुछ ना कुछ बहाना भर दे, अगर किसी 100 आदमियों ने करवाई तो उसकी 30% आ रही, 60% को कागजों में घुमाए जा रहा। आपको मिलती है? नहीं, मुझे तो नहीं मिलती। तो आप देख सकते हैं ये किसान हैं जो कि बता रहे हैं कि सरकार जो है सम्मान निधि और जैसे कहीं जो सरकारी योजना है उनके नाम पर छलावा कर रही है। और भी यहाँ पर किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं और कब तक यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे और क्या ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा, क्या कुछ रहेगा। तो और जो किसान हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है तैयारी शुरू हो गई है और ये आज से ही शुरू हुआ है। मुजफ्फरनगर में GIC ग्राउंड है और यहीं पर जो है महापंचायत हुई थी किसानों की 2021 में सितंबर के महीने में। ठीक है, देख लो सभी किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। किसान जो है ना बिल्कुल बर्बाद है। कैसे? इस टाइम इस जो है जी, हर चीज़ फसल का जो भी फसल है उसका कोई दाम नहीं है। आज सीजन जा लिया अगला आधा जी, आज लोग कोई भाव गन्ने का नहीं है। अच्छा, पेमेंट कोई नहीं है किसान को, और दवाई खाद इतना महंगा होगा। एक बताओ जी, जो 300 रुपये का कट्टा होता है, 1,750 रुपये का कट्टा है रहा वो, और खाद बताओ भाव कोई नहीं गन्ने का है, तो किसान कहा तो है कि दोगुनी आमदना। सरकार कह रही है कि आय भी दोगुनी करती है और अच्छी क्वालिटी है, उन्हें खाद दे रही है और सम्मान निधि भी दे रही है सरकार, तो कह रही है कहाँ दे रही? हमें सम्मान निधि की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे वाजिब दाम, हमारे फसलों का वाजिब दाम देना शुरू कर दो। मैं जो लागत के हिसाब से जो सरकार ने गन्ने का जो लागत बताई 352 रुपये बताई, और उन्होंने क्या करा 350 रुपये गन्ने का भाव ही कर रखा, बताओ कहाँ से दोगुनी आमदना होगी? कि किसी सरकार को बताएगा ना, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी से बात करो, किसी किसान के ला रहे कहते हैं कि महंगाई पर भी लगाम लगी है। हमें तो बताओ महंगाई तो कहाँ से लगाम लगी, हर चीज इतनी महंगी हो, किसान की तो महंगाई पर लगा लगाम, जो किसान की चीज है वह तो मंदी हो रही, और जो चीज है वे आसमान छू रही, हर गरीब का तकबा गरीब होता जा रहा। कहाँ है महंगाई? खाद बीज जितना भी जो भी कुछ है सारे महंगाई महंगाई है, और गन्ने का भाव आज लोग कुछ नहीं है, तो हर बताओ किसान की काम धंधा दोगुनी होगी, किसान बर्बाद होगा। कुछ दिन में किसान के जमीन के पीछे पड़ रहे, इसे लूटने के पीछे में फ्री में ब्याज में लूटने पर, हमारा कोई भाव गन्ने का है पिछले साल का, आज लो पैसा नहीं मिला, और उस पर ब्याज हमारा जो हमने कार था रखे उस पर ब्याज हमारा चढ़ रहा, तो बताओ हम कहाँ थे किसान पैसा दे देगा उसे? सरकार कह रही है कि कर्जा माफ कर दिया है किसानों का। हमें कर्जा किसका माफ करा बताओ? एक भी किसान को कहीं तो दुनिया में तो ले हो, अरे झूठ बोलने का कोई ठेका ले रखा,
इन्होंने तो झूठ का लाइसेंस बनवा रखा सरकार ने, तो उस लाइसेंस को बताओ कौन कर लगा। सरकार से नाराजगी है पूरी? सरकार से नाराजगी हमें, जो झूठ बोल रहा किसान को ठग रहा उसका है। सारे सरकार, कोई भी सरकार किसान को देने वाली नहीं है। किसान को झूठ बोलकर मिठी लाम चूस दे मोदी जी हैं। मोदी जी की तो क्या सिर्फ ये तो बाजीगीर था पहले योनी में बाजीगीर, और वह बाजीगीर की डुगडुकी बजानी मोदी जी को तो, और उसे डुगडुकी को बजा कर लोगों पर बतेरे लूट लिए, बतेरे ठग लिए, बतेरी वोट ले ली। इब ले लियो 2024 में क्या रहेगा, क्या किसानों का रुख रहेगा, किन मुद्दों को लेकर? किसानों का मुद्दा तो यही है, किसानों को तो ना तो कर्जा माफ चाहिए ना किसी किसान को कोई। हमें तो नुकसान हमारे जो फसलों में सरकार ही जो अपने उस बात को कह रही है कि हमें भाई ये लागत आ रही उसके दोगुनी हम देने का, हमें उसके 10% ही फालतू दे दो। 2024 में क्या रुख रहेगा, किसे वोट दोगे? हमारा तो है उसे वोट देंगे जो किसान का कुछ करेगा, नहीं करेगा तो इबका बुरी हालत करनी है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सुन सकता है किसानों की, कौन मांगे पूरी कर सकता है? तो कोई नहीं आ रहा, सारी सरकार सारे चट्टे बट्टे एक ही हो रहे, सारे सब मिठी लाम चूस है, और राहुल साहब फिर रहे थो अपना भारत में को जोड़ो यात्रा में नहीं गए आप? अरे क्या भारत यात्रा क्या करनी, बेवकूफ बना रहे इन्होंने 65 साल 60 साल इन्होंने करी नहीं क्या बोलो राजनीति, किसी कांग्रेस ने किसी किसान को छका दिया नाश तो उनते ही होने लग रहा है। जोड़ो यात्रा नाश कर रही है, सारे नाश करना ही नहीं तो नाश, उसे तो बोलने का भी पता नहीं किसान को जाना है भाई, उसे नहीं पता है गन्ने का पेड़ा के साथ शक्कर का हमें तो बना, चीनी का हमें तो बना, देखा बता भी दो। राकेश टिकैत जी ने समर्थन दिया है किसान भारत जोड़ो को? अरे भारत जोड़ दे दिया भाई, चलो भाई क्या आग्रह इस सरकार से थक्का, क्या आग्रह किसी और को तो करना, विपक्ष तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं विपक्ष बनाओगे तो ये तो मार का खा गए। किसान चाह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए भाई, बदल के जी भी कुछ होगा, इन्हें भी टक्कर लगेगी, अगले आने वालों को भी लगेगी, इन्हें जनता को तो यही तो मूर्ख बन रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आजकल एक बाबा आजकल बहुत वायरल है, बाबा एक बहुत वायरल है आजकल। अरे बाबा बुब्बा, अरे बाबा गुरबस वाले सुनने तो नाच कर रखा है इनके, आपने सुना उनके बारे में बागेश्वर वाले बाबा चमत्कार? सुना हम, सुना क्या सुना है, देखा भाई लोगों को कहा भकारा दे रहा, जो कुछ मैं कह दूंगा वही वो मैं हो जाएगा। बहुत तगड़े चमत्कार है, सब कुछ पता उन्हें? हाँ चमत्कार है, उसे सीमा पर सही लगा दो ना, जो दूसरे देश वाले हमारे अटैक करे उन्होंने वो चमत्कार तो उड़ा दे, वो जिस पैसा चमत्कार है क्यों खाम खाई हुई है, इतनी सेना लगा रखी हमारी। उन्होंने एक ऐलान किया कि उस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बना ले, हिंदू राष्ट्र बना कर क्या, देश में भूखे मर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र क्या कर लगा, इसे देश को जेकर पहले सोने की चिड़िया थी इस तरह कर लो, हर दफ्तर में लूट मचाई, जो उनसे ये ठेका ले रहे हैं सरकार, हमने सारी महंगाई भी कर दी, दफ्तरों में लूट मचाई उससे ज्यादा हो रही है, हर किसान कोई भी बिना पैसे के एक भी कर्मचारी अधिकारी काम करके दिखा दो और जब करता हो, और सब जनता को परेशान कर रहे, बताओ क्या आग्रह किसान, हर आदमी थक लिया, और दफ्तरों में तो इतना बुरा हाल हो रहा है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है दफ्तरों में तो। करप्शन खत्म हो गया आप कह रहे हो, बुरा हाल है, करप्शन खत्म हो गया सरकार कह रही है? अच्छा एक किसी काम को लेकर का आपका दफ्तर में किसी का अधिकारी के द्वारा चले जाइयो, अच्छा बिना पैसे एक भी काम करके दिखा दे कोई भी, और वही देखो योगी बिना योगी बनकर किसी दफ्तर में काम करवा कर दिखा दिया, वो एक भी नहीं करता, सबने सारे लुच्चे हुए गए, पहले जो 100 रुपए में काम होता है 500 में नहीं होता वो दफ्तरों में, इतनी ठगी हो रही है। अपराध खत्म कर दे योगी जी ने देश यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो खैर वो तो गुंडागर्दी थोड़ी वह तो हुई उसमें, तो खैर जो कुछ सही है कहना चाहिए, अगर संतुष्ट है दफ्तरों में बढ़ गई उसका लाभ क्या हो गया, मैं हमें सड़कों पर ठगे थे दफ्तरों में ठगा लगे, बात तो वही लूटने वाले तो ज्यादा हो गए, पहले 10% लूटे थे जब सबने 100 के 100 लूट रहे दफ्तरों में, बात राजगी पूरी है इसका मतलब, नाराजगी हम लोग कह रहे हैं जो किसान को जनता को परेशान करेगा नाराजगी वो है जी। तो जो अब मुजफ्फरनगर में यहाँ पंचायत ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इससे कुछ बदलाव हो पाएगा? अजी बदलाव तो सोच तो रहे हो जा, अच्छा। कुछ जनता समझ ले, अरे नहीं समझेगी तो जनता मरो, या तो जो आपकी मांगे हैं उनके अलावा और क्या एक उद्देश्य है, जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पंचायत चल रही है, और एक क्या उद्देश्य है कि कैसे आप जोड़ रहे हैं किसानों को, क्या कुछ और है भाई? ये किसानों को भाई अपने देश को इसे बचा लो, इन गुंडों बताइए जो 10-20% बैठे ऊपर हमारे, इनसे बचा कर अपनी वहाँ से संसद में आपको कब्जा कर लो। आपने कहा 10-20% बैठे तो कौन लोग हैं वो जो बैठे हैं? सर वो तो गुंडे हैं, कौन है वो? हमें नहीं पा रहे सर होते हैं हमारे किसान, इन्हें समझ जाए तो हम उन्हें क्या करें, उन्हें हम लोग कह रहे हैं छेद छेद के संसद में तो काटो आप वहाँ कब्जा करो, छेद छेद के तो फिर हिंसा का मामला हो जाएगा, तो हिंसा नहीं करेंगे, एक बात बताओ बिना हिंसा के काम हो गया नहीं होता, तो लोकतंत्र है देश में। अरे लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र ही है भाई, जो उनसे अच्छा आदमी वो बेचारा उसे फिरो बरान, जो सारे गुंडे में बच्चे सारे सारा पैसा भी देशों में नहीं भिजवा दिया इन्होंने, बता
सारा पैसा भी देशों में भजवा दिया इन्होंने, यहाँ से क्या भूखा कर दिया देश। तो आप ये देख सकते हैं जो किसान है काफी गुस्से में है और नाराज की है सरकार के खिलाफ इनके अंदर, और इनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहेगा कि यहाँ पर जो है किसानों को जोड़ रहे हैं, एक मंच पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव भी नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। तो और भी यहाँ पर काफी किसान है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप भी आए हुए हैं तो क्या कुछ आज मांगे रहेगी? मुख्यतः मांगे तो जो है जनपद में आवारा छुट्टा पशुओं की, और दूसरी जो है जिस तरीके से गन्ने का पेमेंट समय पर नहीं हो पा रहा उसके उपलक्ष्य में लेकर धरना शुरू। तो आप देख सकते हैं किसान हैं और इनके जो मुख्य मांग है वो आवारा पशु को लेकर है, क्योंकि इनका कहना है कि जो आवारा पशु हैं वो इनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं, ये इनका बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आवारा पशु जो है भारी तादाद में घूम रहे हैं और इनकी जो किसान है इनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान है वो जुटना शुरू हो गए हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भी बागपत शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर सभी जगह के, नोएडा मुरादाबाद गाजियाबाद, ये देख सकते हैं आप काफ़ी किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सभी किसान, तो क्या कुछ मांगे हैं? मांग आज की का जो मुख्य एजेंडा है सबसे पहले तो ये है कि जो कपिल सोम जिसकी गिरफ्तारी हुई वो बिल्कुल नाहक जेल में है, सबसे पहले तो उसकी रिहाई होनी चाहिए। हेलो जो ये सरकार के अलावा उसके अलावा गन्ने का मुद्दा है, जो बकाया गन्ना मूल्य और जो मिलों पर बकाया में ब्याज पड़ा, उत्तर प्रदेश में जब से इनकी सरकार आई कोई भी मिल आज तक ब्याज नहीं दिया किसी मिल ने भी, और अगर इस चीज को देखा जाए जितने उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं वह तमाम ब्याज में किसानों की हुई खड़ी, उनका कोई अधिकार नहीं रहा मिल मालिकों का। जो सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी वो होगी? उसा आप भी देख रहे हो, आप देख रहे आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई, पर जो किसान पर उसका जरिया था ना खेती में, खेती महंगी कर दी, खेती जो है ना वो घाटे का सौदा हो रहा है इस सरकार में। सरकार कहती है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और हो गई है, वो कैसे कहते हैं तो क्या लगता है भाई? 2022 में दुगनी तो हुई नहीं, पर खर्चा 3 गुना जरूर हो गया हमारा भाई। जो पहले ढाई का कट्टा 700 रुपए का था वो आज 1400 रुपए का है, दुगना हो गया। जो यूरिया का कट्टा 200 रुपए का था साढ़ा 400 रुपए का है, एक वो दे दिया नैनो, उसमें नहीं पता साढ़े में पानी मिला रखा क्या मिला रखा, वो फार्मूला हमारी समझ में भी आया, वो हमें भी तो बता देना दुगने होने का फार्मूला क्या है। सरकार तो किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, उन्हें फ्री बिजली दे रही है, सिंचाई के लिए पानी दे रही है, आप कह रहे हैं मारी नहर है मारा रजवाया है साढ़े में 3 महीने हो लिए पानी आओ, जब फसल का टाइम गेहूं को पानी देने का टाइम तो अब है, और ये पानी देने लगे हमें मई जून में, उस पानी का क्या फायदा होगा? बिजली कहाँ फ्री दे रही, झूठ बोल रहे, बिजली का तो बिल इतना बढ़ा दिया किसान तो बिल दे ही नहीं सकता। सरकार ने महंगाई लगाम लगा दी, धरातल पे तो जैसे एक गाय बछड़े ये फिर लेना बेरोजगार, ऐसी बेरोजगारों की लाइन लगा रखी, किसान दिन में तो खेत में काम करे रात को नहीं सांडों की रखवाली करे। आवारा पशु कम हो गए? कम हो गया, हमें तो आदमी से ज्यादा सड़क पे आवारा पशु ही नजर आ रहे, खेत में चले जाओ सारा आवारा पशु है, लोगों को मार दिए, एक्सीडेंट कर रहे, लोगों को दुर्घटना हो गए, लोगों को मार रहे, कोई मुआवजा नहीं किसी चीज का, कोई बात नहीं। इनकी करनी और कथनी में अंतर है भाई, ये झूठ अगर झूठ बोलने की कहीं प्रतियोगिता हो तो हमारे मोदी योगी को फर्स्ट प्राइज मिलेगा झूठ बोलने में। मोदी योगी जी ने हमने गन्ने का पूरा पेमेंट कर दिया, मोदी जी के ऊपर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई, देखी आपने? वो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी नहीं, लेकिन उसमें भी बवाल हो रहा, वो चलने को नहीं दे रहे। अगर वो उसमें मोदी जी की इतनी बड़ाई दिखा रखी तो उसे चलने तो क्यों नहीं चलने दे? विदेशी ताकतों ने कुछ गलत दिखा रखा मोदी जी के बारे में? विदेशी ताकतों ने सही दिखा रखा, ये जो यहाँ की जो ये जो भांड है ना मीडिया भांडिया, ये जो गोदी मीडिया यो दिखा रही उसकी, ये उसी के गुणगारी हो, बाकी ना तो धरातल पे ये तो अगर थम यूट्यूब आ रही है सोशल मीडिया ना हो ना तो भाई साहब किसान तो इन्होंने कोल्लू में कुपेल दिया था। ये जो सरकार के खिलाफ है वो देश विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। हाँ ये सबसे बड़ा धर्म देशभक्त यही आए, हमारे किसान हमारा जो जवान है वो तो सेना पे शहीद हो गए, हमारा किसान यहाँ शहीद हो गए, अब देशभक्त ये हम देशद्रोही हो गए। एक बाबा जी बहुत वायरल है आजकल, उनके चमत्कार सुने आपने? हाँ इनके बाप भाई है, इनके दौरे भाई मोदी सरकार योगी शर्मा बाप भाई है यहाँ से, जितने सारे बलात्कारी बाबा सारे इनके, जितने बलात्कारी सारे मिनिस्टर सारे इनके, जो महिलाओं से जो हमारी
बच्चियां जो मेडल लेके आ रही उनकी जो छेड़छाड़ कर रहे, आज तक उस पर एक्शन तो नहीं हुआ? कमेटी बने एक हफ्ता हो गया, आज तक नहीं पता वो कमेटी कर क्या रही या उस कमेटी में है कौन? पहलवानों को भी न्याय नहीं मिला, उनकी भी काफी उन्होंने जो यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जो उनके सांसद है भाजपा के ब्रजभूषण सिंह, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कुछ है भाई? इस सरकार में उम्मीद नहीं है न्याय की, इस सरकार में लड़ के तो आप छीन सको कुछ भी, ये अपनी तरफ से तो कुछ देने के ही नहीं। पहलवानों ने ये भी आरोप लगाया कि जो कमेटी बनी उसमें हमारे से कुछ राय भी नहीं ली गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहलवानों को तो ये भी नहीं पता कमेटी में है कौन, एक हफ्ता हो गया कमेटी बने, आज तक उन्हें नहीं पता लगा कमेटी ने क्या करा, एक हफ्ते का तो टाइम ही मांगा था उन्होंने। इससे झूठी सरकार इस हिंदुस्तान के तो इतिहास में आई नहीं, इनका एक ही नारा को जो करा कांग्रेस ने जो करा, इन्होंने 70 साल में जो कांग्रेस ने, इन्होंने 7 साल में सारा बेच खाया, फिल्म फ्लॉप करवा दी, देश को बचा लिया, जो गलत दिखाते हिंदू के बारे में फिल्मों के अंदर, 3 दिन में 200 करोड़ रुपए कमा दिए, फ्लॉप करवा दी, हिट करवा दी, आज तीसरा दिन है 200 करोड़ के कलम में जा ली वो फिल्म, तो इन्होंने तो हिट करवाई, वो फ्लॉप कहाँ करवा दी? तो भी ये भगवा बैठ के नंगा नाच करे तो ये करे तो रासलीला और करे तो भाई यही तो है इनका भाई। तो 2024 में चुनाव है, किसान किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? भाई किसान डाल लगा अपने मुद्दों को लेके, मैनोफेस्टो में इन्होंने कहा था बिजली फ्री देंगे, 12 पे लगा दिए मीटर, वो हमें ये नहीं पता वो फार्मूला कौन था मीटर लगा के बिजली फ्री देने का, गन्ने का रेट 450 कहा था योगी जी मोदी ने मेरठ की रैली में, 8.5 साल हो लिए, 8-7 साल में 25 रुपए बढ़े, यानी कि 25 पैसे किलो, ये किसान की बेइज्जती, इससे बड़ा न्याय और क्या होगा? एक तरफ तो कहें किसान हमारा अंदाजा हमारा पैदा करा हुआ, तो ये फ्री बांट रहे, हम दोनों का अपनी जेब से बांट के देखो एक बार भी। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये लोग किसान हैं, इन्होंने अपनी समस्या अपने मुद्दे बताए और किन मुद्दों को लेकर 2024 में वोट डालेंगे, भी आप देख सकते हैं जो किसान लोग यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और घंटे के बटन भी दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो धरना प्रदर्शन है अनिश्चितकालीन है, तो अभी भी यहाँ पर जो है काफ़ी वीडियो आने वाली है।